अभी हमने प्रबंध के सिद्धांतों के अंतर्गत हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों का अध्ययन किया था। आइए अगले क्रम में प्रबंध के सिद्धांतों के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता F.W. टेलर, इन्होंने जो प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांतों को जन्म दिया है, तैयार किया है, हम उनके वैज्ञानिक प्रबंधों के सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जब उत्पादन बड़ी मात्रा में मशीनों से होने लगा तथा व्यवसाय का आकार बढ़ता चला गया और व्यवसाय के आकार में वृद्धि होने लगी, इस वृद्धि से प्रबंध की समस्याएं भी जटिल होती गई। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं का निराकरण रूढ़िगत प्रणाली से संभव नहीं रहा, अतः उन समस्याओं के निराकरण के लिए वैज्ञानिक प्रणाली को आधार बनाकर सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन, खोज, अनुसंधान, शोध, तथ्यों व आंकड़ों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण कर वैज्ञानिक आधार पर सिद्धांतों का निरूपण किया गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिक प्रणाली को आधार माना गया और इस वैज्ञानिक प्रणाली के आधार के जो जन्मदाता हैं वो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर माने जाते हैं, जिन्होंने प्रयोग के आधार पर प्रबंध को वैज्ञानिक बनाया। F.W. टेलर, इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को जन्म दिया। यहाँ पर F.W. टेलर के बारे में हम जानते हैं, इनका जन्म जो है 1878 में फिलाडेल्फिया अमेरिका में हुआ था। 1903 में इन्होंने शॉप मैनेजमेंट, साथ ही 1911 में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत नाम की पुस्तक यहाँ पर लिखी थी। इन्होंने जो है अपने विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण कर वैज्ञानिक आधारों पर सिद्धांतों को तैयार किया था, साथ ही इन्होंने जो है प्रबंध की समस्याओं का हल निकालने के लिए आसान एवं प्रभावकारी कुछ सिद्धांतों को तैयार किया जो कि प्रमुख हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम पहले जानेंगे वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या है। टेलर के अनुसार प्रबंध ये जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वे उसको सस्ते से सस्ते में सुंदर ढंग से कर सकें। तो पहली चीज़ यहाँ पर यह है, प्रबंध ये बताता है हमें कि हम वास्तव में कौन सा कार्य करना चाहते हैं तथा उस कार्य को हम कितने बेहतर ढंग से, मितव्ययी ढंग से, बेहतर ढंग से हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पर पीटर एफ डूकर ने कहा है, प्रबंध के मूल में कार्य का संगठित अध्ययन है, कार्य का सरलतम तत्वों में विश्लेषण तथा प्रत्येक तत्व में श्रमिकों द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य में क्रमबद्ध सुधार है। इस प्रकार यहाँ पर कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध प्रबंध की एक ऐसी विचारधारा है जिसमें रूढ़िगत प्रणालियों के बजाय विश्लेषणात्मक एवं पर्यवेक्षणात्मक प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। यहाँ पर प्रबंध की, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण हैं। इसके अंतर्गत सबसे सर्वप्रथम है तथ्यों व सूचनाओं का एकत्रीकरण। उपक्रम के अंतर्गत जो भी तथ्य हैं या जो भी सूचनाएं हैं, सर्वप्रथम उन तथ्यों और उन सूचनाओं को एकत्रित करना जो व्यावसायिक उपक्रम के संचालन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उपस्थित तथ्य, उपस्थित सूचनाएं, उपस्थित आंकड़ों के आधार पर ही जो है हम नई नीति नियोजन तैयार कर सकते हैं। दूसरा है नियमों का प्रतिपादन,
इसके अंतर्गत सभी एकत्रित तथ्यों, आंकड़ों एवं सूचनाओं का हम सूक्ष्म रूप पर अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात प्रभावकारी प्रबंधकीय कार्य निष्पादन के नियमों को हम तैयार करते हैं। अगली विशेषता है प्रमापों की स्थापना। इसके अंतर्गत प्रभावकारी नियंत्रण स्थापना हेतु समय, परिमाण, गुण एवं लागत की दृष्टि से कार्य के विभिन्न प्रमाप स्थापित किए जाते हैं, तय किए जाते हैं कि कौन सा कार्य कितने समय में हो सकता है, किस क्वालिटी का है, किस गुण का है, कितनी लागत है। इन सबके प्रमापों की हमें स्थापना पूर्व से ही करनी होती है। अगली विशेषता कार्य का नियोजन। इसके अंतर्गत हम कार्य नियोजना का निर्धारण कार्य करने के पहले किया जाता है। कार्य का प्रारंभ, कार्य की समाप्ति, कार्य करने के चरण, कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन, इन सबके बारे में पूर्व से ही कार्य योजना तैयार कर ली जाती है। साथ ही कार्य के लिए किन वस्तुओं, उपकरणों या व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यहाँ पर हम इन सबके बारे में पूर्व से ही कार्य योजना को तैयार कर लेते हैं। अगले क्रम में नियमानुसार कार्य। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कार्य एवं व्यवहार को निश्चित किया जाता है, साथ ही सामूहिक रूप से कार्य कराने की स्थिति में बेहतर कार्य संचालन हेतु हम नियमों की स्थापना करते हैं। अंतिम बिंदु है मानवीय विचारधारा। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के प्रति मानवीय नजरिए को अपनाया जाता है, अर्थात कर्मचारियों के कार्यभार में वृद्धि न करके कार्य को सरल बनाकर कार्यविधि व उपकरणों में सुधार करके उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध की जो विशेषताएं थी, जो उसके लक्षण हैं, वो हमने यहाँ पर देखे। और अब हम अगले क्रम में F.W. टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम वैज्ञानिक प्रबंध के महत्वों का अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधों से क्या फायदे हैं, क्या उसके लाभ हैं, उसका महत्व क्या है। सर्वप्रथम अधिक लाभ। वैज्ञानिक प्रबंध प्रक्रिया को अपनाने से उत्पादन लागत कम होती है, अधिक उत्पादन होता है और उत्पादनकर्ता जो है अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। दूसरा बिंदु है लागत में कमी आती है। वैज्ञानिक प्रबंध से मशीन, उपकरण, श्रम का हम कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, जिससे उत्पादन लागत जो है प्रति इकाई कम हो जाती है। इसी क्रम में लाभों में उसके वृद्धि होती है। इस प्रणाली को अपनाने से अपव्ययों को न्यूनतम करने से, लागत पर नियंत्रण रखने से उत्पादन लागत घट जाती है, फलस्वरूप लाभ में वृद्धि होती है। प्रमापीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इससे उत्पादन रीति, मशीनों व उपकरणों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रमापीकरण पर ध्यान दिया जाता है, जिससे उच्च किस्म का प्रमापित व अधिक माल उत्पादित होता है। श्रमिकों को लाभ होता है क्योंकि उचित कार्य दशाएं तय की जाती हैं, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाता है, मजदूरों को उचित मजदूरी दी जाती है, कार्य के प्रति उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, रुचि के अनुसार उन्हें कार्य दिए जाते हैं। इन सबसे श्रमिकों को भी लाभ होता है, श्रमिकों का मनोबल बढ़ता है, उनका उत्साह बढ़ता है। अंतिम बिंदु है समाज को लाभ। वैज्ञानिक प्रबंध की प्रक्रिया को अपनाए जाने से उपक्रम जो है सफलता की ओर अग्रसर होता है, जिससे समाज में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उचित वस्तुएं प्राप्त होती हैं, औद्योगिक संघर्ष जो प्रबंध और कर्मचारियों के बीच में होता है वो खत्म होता है, कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होता है। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से समाज को भी इसका बेहतर से बेहतर लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने जाना कि वैज्ञानिक प्रबंध का महत्व क्या है या वैज्ञानिक प्रबंध से क्या
लाभ हैं।